हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। माय नेम इज योगिता सतीश सावड़े। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 8 सिविक्स लेसन नंबर 2 द इंडियन पार्लियामेंट। तो इस लेसन का फर्स्ट नंबर का पार्ट हमने पहले वीडियो में देखा था। अब हमें आगे देखना है सेकेंड नंबर पार्ट। हमने देखा था कि किस तरह से फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि संसद के कार्य देखे थे, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, कायदों की निर्मिति देखी थी, कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल जो रहता है उस पर जो नियंत्रण रहता है उसके बारे में जानकारी हमने ली थी। अब आगे हमें देखना है यहाँ पर अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पॉइंट्स है ये हमें आज स्टडी करना है। तो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की जो दुरुस्ती होती है वो किस तरह से की जाती है। द पार्लियामेंट डिसाइड्स वेदर द टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के जो संविधान रहते हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो उसके संबंधित संसद में उसके निर्णय लिए जाते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट बिल। और संविधान दुरुस्ती के लिए जो प्रस्ताव रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। एंड द पार्लियामेंट डिस्कसेस व्हेन व्हाई द अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड एंड डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो पार्लियामेंट में चर्चा होती है वहाँ पर, और जो प्रस्ताव रहता है संविधान की दुरुस्ती के संबंधी वो प्रस्ताव इसका स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए ये यहाँ पर तय होता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन वेरियस वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में बहुत ऐसी भारतीय संविधान के दुरुस्ती करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, अलग अलग पद्धति होती है। तो पहले नंबर वन यहाँ पर एग्जांपल देखना है हमें। फॉर प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ जो तरतूद होती है संविधान में, कुछ चेंजेस होते हैं तो उसे सिंपल बहुमत की यानी कि सिंपल तरीके से बहुमत की जरूरी होती है। कुछ तरतूद ऐसे होते हैं एंड सम प्रोविजंस रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट। और कुछ जो चेंजेस होते हैं उसे स्पेशल वहाँ पर मेजोरिटी लगती है, बहुमत लगता है, जैसे कि 2/3 पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं उससे 2/3 सदस्य वहाँ पर लगते हैं, मेंबर्स लगते हैं, उनकी यानी कि सपोर्ट वहाँ पर लगता है, उनका बहुमत वहाँ पर लगता है। एंड फ्यू अदर प्रोविजंस आर अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस कंसेंट फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि वहाँ पर संसद के विशेष बहुमत से अधिक वहाँ पर आधा से ज़्यादा अधिक घटक राज्य जो होते हैं उनकी भी मान्यता वहाँ पर जरूरी होती है। ऐसे चेंजेस कुछ चेंजेस के लिए ऐसा बहुमत होना जरूरी होता है। अब आगे हमें देखना है स्पीकर ऑफ लोकसभा मतलब लोकसभा का अध्यक्ष किस तरह से चुना जाता है। इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम द मेंबर्स। तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद उनकी जो मीटिंग होती है, पहली मीटिंग होती है, तो वहाँ पर पहले मीटिंग में लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि जो चुने जाने वाले जो मेंबर्स हैं उनमें से एक लोकसभा का अध्यक्ष बनता है और एक उपाध्यक्ष बनता है फ्रॉम अमंग देमसेल्व, यानी कि उनमें से दो वहाँ पर चुने जाते हैं, एक अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष। तो लोकसभा जो रहते हैं लोकसभा फंक्शन अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं उनके और जो उपाध्यक्ष रहते हैं उन दोनों के मार्गदर्शन से या उनके नियंत्रण से वहाँ पर संसद जो रहते यानी कि लोकसभा जो रहती है वो कार्य करती है। इस तरह से हमने ये देखा। अब आगे हमें एक चार्ट दिया है वो हमें यहाँ पर देखना है, अंडरस्टैंड इट, ये हमें समझ लेना है क्या ये, हम यहाँ पर रीड कर लेंगे पहले। बोथ हाउसेस द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा हैव सेम सेट ऑफ राइट्स। जो लोकसभा एंड राज्यसभा रहते हैं उन दोनों सभागृहों को एक जैसे ही राइट यानी कि एक जैसे ही अधिकार वहाँ पर होते हैं। बट देयर आर सर्टेन राइट्स दैट आर एन्जॉयड बाय द लोकसभा एंड आर नॉट अवेलेबल टू द राज्यसभा। लेकिन उनके साथ ही कुछ अधिकार ऐसे होते हैं कि जो लोकसभा को होते हैं लेकिन राज्यसभा को नहीं होते। फॉर एग्जांपल बिल्स रिलेटेड टू टैक्सेस आर रिलेटेड टू फाइनेंस, जैसे कि कर संबंधित जो प्रस्ताव रहते हैं या पैसों के संबंधित जो प्रस्ताव रहते हैं वो ऐसे प्रस्ताव कि बिल्स रिलेटेड टू फाइनेंस एंड कंसिडर्ड एज मनी बिल्स, तो पैसों के संबंधित जो प्रस्ताव रहते हैं उसे आर्थिक प्रस्ताव माने जाते हैं।
मनी बिल्स एंड सच बिल्स आर इंट्रोड्यूस एंड पास्ड इन द लोकसभा, ऐसे प्रस्ताव जो होते हैं सिर्फ लोकसभा में ही वो वहाँ पर मंजूर होते हैं। एंड राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल, राज्यसभा को इस संदर्भ में वहाँ पर लिमिटेड ऐसी पावर, लिमिटेड ऐसे अधिकार उनके पास रहते हैं, मर्यादित अधिकार रहते हैं। द राज्यसभा हैज़ सर्टन राइट्स विच आर नॉट अवेलेबल टू द लोकसभा, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं कि जो राज्यसभा के पास है लेकिन लोकसभा के पास नहीं है। तो ऐसे कौन से है, फॉर एग्जाम्पल, इफ राज्यसभा फील्स दैट एज ए मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट द पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, इट कैन पास अ रिसोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। तो राज्य सूची में अगर किस एक विषय पर अगर राष्ट्र के हित के लिए दृष्टि से संसद में अगर कोई कायदा या नया कानून अगर बनाने का सोचते हैं, राज्यसभा में ऐसा विचार किया जाता है, तो ऐसा जो प्रस्ताव रहता है वो सम्मत कर सकते हैं, उसे वो नया कानून बना सकते हैं हमारे राष्ट्र के हित के लिए। अगर कोई नया लॉ होता है तो उसे बनाने के लिए उसे लोकसभा की मान्यता की जरूरी नहीं होती, वो राज्यसभा ही अकेले तय कर सकती है। इस तरह से जो हमें समझने के लिए कहा था उनके अधिकार के बारे में क्या डिफरेंस है ये हमने देखा है। तो आगे हमें देखना है लोकसभा के अध्यक्षों के बारे में जानकारी लेनी है। लोकसभा रिप्रेजेंट द सिटीजन एंड स्पीकर रिप्रेजेंट द लोकसभा, लोकसभा जो रहते हैं वह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और अध्यक्ष जो रहते हैं वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। तो लोकसभा यानी क्या, जो मेंबर्स लोगों से चुने जाते हैं, भारतीय लोगों से, सिटीजन से, नागरिकों से जो चुने जाते हैं वो रहते हैं लोकसभा में और उनका जो अध्यक्ष रहता है वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर ही और शी हैज़ टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस इन एंड अम्बाइस मैटर। तो अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद अध्यक्ष जो रहता है वह संपूर्ण सभागृह का कामकाज अतिशय बहुत ही निपक्षपाती से चलाता है और लोकसभा मेंबर्स हैव सम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो लोकसभा जो मेंबर्स होते, लोकसभा के सभासद होते या लोक प्रतिनिधि होते, इस नाता से, इस संबंध से उन्हें कुछ अधिकार, कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। दिस आर टेकन केयर ऑफ बाय द स्पीकर, तो उनकी जो अधिकार दिए जाते हैं उनकी केयर करना का काम वहाँ पर अध्यक्ष करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द स्पीकर हैज़ टू मेंटेन द डेकोरम एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस एज वेल एज इंटरप्रेट द रूल्स ऑफ डेली फंक्शनिंग ऑफ द हाउस एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो सभागृह की प्रतिष्ठा बनाए रखना और कामकाज विषय जो नियम रहते, जो अलग अलग रूल्स रहते उनका अर्थ समझकर उसकी तरह से यानी रूल्स के मुताबिक वहाँ पर सरकार चलाना, कामकाज करना, यह अध्यक्ष का कार्य होता है। अब आगे हमें देखना है द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जानकारी ली, कैसे चुने जाते हैं, उनका कार्य क्या रहता है, अब हमें देखना है यहाँ पर द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। द चेयरमैन एक्सरसाइजेस अ कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जो ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। द फंक्शंस ऑफ राज्यसभा चेयरमैन ऑल्सो इंक्लूड मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द हाउस एंड फैसिलिटेटिंग डिस्कशन, गिविंग मेंबर्स अ चांस टू स्पीक एट्सेट्रा। तो राज्यसभा का जो संपूर्ण कार्यकाल कामकाज होता है वह सभापति के नियंत्रण में चलता है, उनके जो चेयरमैन होते हैं उनके नियंत्रण में चलता है और भारत के जो उपराष्ट्रपति रहते हैं वह राज्यसभा के पदसिद्ध ऐसे सभापति होते हैं, वो उस मेंबर्स में से नहीं चुने जाते। तो जो राष्ट्रपति रहते तो राष्ट्रपति के साथ जो उपराष्ट्रपति होते वह राज्यसभा के चेयरमैन बनते और उनके कार्य जो रहते जैसे कि द फंक्शंस ऑफ राज्यसभा चेयरमैन ऑल्सो इंक्लूड मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ऑफ इन द हाउस। तो राज्यसभा सभापति का जो कार्य रहता है कि सभागृह में शिस्त लाना या चर्चा वगैरह बनाना, कुछ प्रॉब्लम्स रहते या कुछ समस्याएँ रहती उस पर डिस्कशंस करना एंड हर एक मेंबर्स को, हर एक सदस्य को, सभासद को वहाँ पर बोलने की, अपने विचार प्रस्तुत करने की वहाँ पर संधि देना, चांस देना, यह कार्य किसका रहता है, तो चेयरमैन का रहता है, राज्यसभा के जो चेयरमैन रहते हैं उनका यह कार्य रहता है। अब आगे हमें देखना है यहाँ पर हाउ डज द पार्लियामेंट मेक्स लॉ। तो पार्लियामेंट जो रहते हैं, संसद जो रहते हैं, वो लॉज किस तरह से बनाते हैं।
In our country, the parliament is empowered to make laws and to formulate them. A certain system has been adopted. तो हमारे देश में संसद को कानून या नए कायदे बनाने का अधिकार दिया जाता है, एंड इस वजह से विशिष्ट ऐसे जो कार्य रहते हैं वो बनाने के लिए विशिष्ट ऐसे मेथड वहाँ पर यूज करते हैं, इसका स्वीकार वहाँ पर किया गया है. दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द लॉ मेकिंग प्रोसेस, और उसी को कायदे निर्मित की प्रक्रिया ऐसा हम कहते हैं. तो रफ ड्राफ्ट ऑफ द लॉ इज प्रिपेयर्ड इनिशियली, तो वहाँ पर रफ ऐसा मसूदा वहाँ पर तैयार किया जाता है सबसे पहले. एंड दिस ड्राफ्ट और आउटलाइन इज नोन एज ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ और बिल ऑफ लॉ. तो ऐसे जो विधेयक रहता है, जो कच्चा मसूदा रहता है यहाँ पर बनाया गया, तो उसे वहाँ पर कायदा जो रहता है अलग से कायदा बनाने का प्रस्ताव या विधेयक ऐसे उसे कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स, तो ऐसे जो प्रस्ताव रहते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं. दैट आर प्राइमरी इंट्रोड्यूस इन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो संसद में जो सभागृह में जो सादर किए जाते हैं वो प्रस्ताव दो प्रकार के रहते हैं. एक रहता है मनी बिल यानी कि आर्थिक प्रस्ताव, और अर्थ विधेयक जिसे हम कहते हैं, एंड ऑर्डिनरी बिल मतलब सर्वसाधारण ऐसे जो विधेयक रहते हैं उसे हम ऑर्डिनरी बिल कह सकते हैं. एंड इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इन टू एन एक्ट लॉ द बिल अंडर गोज फॉलोइंग प्रोसेस. तो विधेयक जो रहते हैं उसका कायदे में रूपांतर होने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया होती है, जैसे कि नीचे हमें दिए ऐसे प्रक्रिया. फर्स्ट रीडिंग, तो फर्स्टली उसका रीडिंग होता है संसद में. द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और मेम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट द बिल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स नेचर व्हाइल प्रेजेंटिंग इट. दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट रीडिंग, तो जिसे उसका पहला रीडिंग कहते हैं हम. तो संबंधित जो खाते का जो मंत्री रहता है वहाँ पर या संसद का जो सदस्य रहता है वो विधेयक वहाँ पर सादर करता है या प्रस्ताव वहाँ पर रखता है, और इस विधेयक का वहाँ पर रीडिंग होता है. और रीडिंग होने के बाद वहाँ पर वो प्रस्तुत करता है, तो उसे पहला रीडिंग हम वहाँ पर कहते हैं. अब आगे हमें देखना है यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट है, सेकंड रीडिंग यानी कि दूसरा जो रीडिंग होता है वहाँ पर वो हमें देखना है. देयर आर टू स्टेजेस ऑफ सेकंड रीडिंग. इन द फर्स्ट स्टेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड बिल आर डिस्कस्ड एंड मेंबर्स इन द हाउस एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन इट. तो ये जो दूसरा रीडिंग होता है इसमें दो प्रकार होते हैं, दो स्टेप्स बनते हैं वहाँ पर. सबसे पहला एक होता है कि वहाँ पर विधेयक के उद्दिष्ट जो रहते हैं उस पर चर्चा की जाती है, उस सभासद में यानी जो मेंबर्स रहते हैं वो उस पर चर्चा करते हैं, अपना ओपिनियन वहाँ पर देते हैं. एंड द सपोर्टर्स ऑफ द बिल गिव फेवरेबल ओपिनियन व्हाइल द अपोनेंट्स डिस्कस द डिफीट एंड फॉल्ट्स इन द बिल. अगर उस विधेयक में जो समर्थक रहते हैं ये विधेयक के बाजू से यानी कि उसकी तरफ से वहाँ पर वो अपने मत वहाँ पर व्यक्त करते हैं, एंड जो उसके जो विरोधक हो रहते हैं वो इस विधेयक में अगर कुछ कमतरताएँ होती है कुछ उन्हें वहाँ पर लगती है तो वो वहाँ पर निकालते हैं, फॉल्ट्स उसमें से निकालते हैं. एंड आफ्टर द डिस्कशन विद इन द हाउस एज पर द रिक्वायरमेंट द बिल इज सेंड टू अ कमिटी ऑफ द हाउस. और ये सभासद में सभागृह में विधेयक पर चर्चा होने के बाद वहाँ पर अगर कुछ ज़रूरत लगती है तो जो विधेयक रहता है जो प्रस्ताव रहता है एक समिति के पास वह भेजा जाता है. द कमिटी रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिकमेंडेशंस इज सेंड टू द हाउस इन ऑर्डर टू मेक द बिल फ्लॉलेस. और समिति के पास भेजने के बाद विधेयक अगर निर्दोष होता है, उसमें अगर कोई भी दोष नहीं होते तो उसको तो उस पर दुरुस्ती सुचाने वाला अगर एक अहवाल वहाँ पर समिति बनाती है, और वो जिस अहवाल रहता है वो हाउस के पास यानी कि सभागृह के पास भेजते हैं. एंड नाउ द सेकंड फेज ऑफ द सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग की सेकंड स्टेप यहाँ पर दी है. इन दिस फेज द बिल इज डिस्कस क्लॉज बाय क्लॉज. तो ये जो बिल रहता है, ये जो विधेयक रहता है या प्रस्ताव रहता है, यह कलम पर वहाँ पर कलमवार यानी कि हर एक कलम पर उसके चर्चा होती है. एंड मेम्बर्स कैन सजेस्ट चेंजेस, और उसमें जो मेम्बर्स रहते हैं उसमें चेंजेस करते हैं, कुछ चेंजेस वहाँ पर वो सुचाते हैं. एंड आफ्टर दिस वोटिंग इज टेकन इन द हाउस, और उसके बाद
उस पर वोटिंग वहाँ पर बनती है, इस हाउस में यानी कि सभागृह में उस पर वोटिंग होती है, चुनाव वहाँ पर वो बनता है। या ये जो अलग से जो नियम बनाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, ये बनाए या नहीं, जो कायदा बनाने वाले होते हैं ये बनाए या नहीं, उस पर वहाँ पर चर्चा होती है। अब आगे हमें देखना है थर्ड रीडिंग, द बिल इज़ डिस्कस्ड ब्रीफली अगेन ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग। तो थर्ड रीडिंग जो रहता है, तीसरा जो रीडिंग रहता है उसमें, तीसरे रीडिंग पर जो विधेयक रहता है उसमें शॉर्टकट में वहाँ पर चर्चा की जाती है ब्रीफली, एंड वोटिंग इज टेकन फॉर अप्रूविंग द बिल, और विधेयक मंजूर करने के लिए वहाँ पर जो चुनाव लिए जाते हैं। एंड इफ द बिल गेट्स एन असेंट बाय द रिक्वायर्ड मेजोरिटी देन द बिल इज कंसिडर्ड एज पास्ड बाय द हाउस। और जब विधेयक को अगर बहुमत सिद्ध हो जाता है तब जो सभागृह रहता है वो जो विधेयक रहता है वो सम्मत कर देता है, और ये सम्मत किया ऐसे वहाँ पर वो मानते हैं। एंड द बिल अंडरगोज द सेम प्रोसीजर इवन इन द अदर हाउस आफ्टर गेटिंग एन अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेज, द बिल इज फर्दर सेंट फॉर असेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो संसद के जो दूसरा सभागृह होता है वहाँ पर भी विधेयक पर सभी प्रक्रियाओं में से जाता है, और दोनों सभागृहों से वहाँ पर विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रपति के सम्मति के लिए वो भेजा जाता है। इस तरह से अलग अलग प्रोसीजर में से वो जाता है, तभी ये लॉज बनते हैं या उसमें चेंजेस होते हैं। इफ देयर अकर्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ओवर अ स्पेसिफिक बिल, द फ्यूचर ऑफ दिस बिल इज डिसाइडेड इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा इस दोनों में विधेयक के संबंधी मतभेद अगर होते हैं तो दोनों भी सदन के जो संयुक्त अधिवेशन वहाँ पर बनाया जाता है, और उसमें उस विधेयक पर विधेयक का भवितव्य उस पर निर्भर रहता है, उस पर वहाँ पर चर्चा की जाती है एंड डिसाइड किया जाता है। आफ्टर द फाइनल असेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल इज़ कन्वर्टेड इन टू द लॉ एंड द लॉ इज़ मेड। और राष्ट्रपति के सम्मति के दर्शक जो साइन वहाँ पर बन जाती है, सिग्नेचर उनकी हो जाती है, तो ये जो बिल रहता है, ये जो प्रस्ताव रहता है, ये विधेयक रहता है, वह लॉ में यानी कि नए कायदा में, नए कानून में वो बदल जाता है। इस तरह से नए कानून बनते हैं। अब आगे हमें देखना है नो धीस टू, यानी कि ये हमें समझ लेना है। तो एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द नेशनल बजट टू द लोकसभा। हर एक साल के फेब्रुआरी मंथ में फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते हैं, अर्थमंत्री, हमारे पूरे देश का जो हर साल का जो अर्थ अंदाज पत्रक रहता है वह लोकसभा में सादर करते हैं। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो फॉलो द सेम प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग एज इन द पार्लियामेंट, एंड द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर रिसीव द असेंट ऑफ द गवर्नर। तो राज्यों के जो विधानमंडल रहता है वहाँ पर भी कुछ कायदे करते समय वहाँ पर संसद की तरह ही पद्धत वहाँ पर वो बनाते हैं, उसकी तरह ही वहाँ पर वो प्रोसीजर या मेथड वहाँ पर करते हैं। एंड राज्य विधिमंडल जो रहता है वहाँ पर मंजूर किए हुए जो विधेयक रहता है उस पर राज्यपाल की सम्मति दर्शक स्वाक्षरी होनी जरूरी होती है। जैसे कि देश के लेवल पर अगर कुछ बनता है, कुछ नया कायदा बनता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति की साइन जरूरी होती है। वैसे ही राज्य के लेवल पर अगर कोई अलग से कायदा बनता है तो वहाँ पर उस विधेयक पर उसके राज्यपाल की स्वाक्षरी होना जरूरी होता है। इस तरह से ये जो पार्लियामेंट का लेसन था हमारा, इंडियन पार्लियामेंट का, ये यहाँ पर पूरा समाप्त हो चुका है, ये आपको समझ में आया होगा।